प्रदेश भर में कहीं बच्चा चोरी की अफवाह सुनने को मिल रही है तो कहीं इस वारदात को अंजाम देते हुए देखा जा रहा है। दरअसल कुछ ऐसा ही मामला अलीगढ़ में देखा गया, जहां रोरावर थाना क्षेत्र में एक बड़ी घटना हुई। एक रिक्शा चालक ने राह चलती महिला के हाथ से बच्चे को छीन लिया और वहां से भागने लगा। इलाके के लोगों ने रिक्शा वाले को रिक्शा और बच्चे समेत पकड़ लिया और पिटाई कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। दरअसल अकील अहमद नाम का युवक अपनी पत्नी रेशमा के साथ बाजार से सामान खरीद कर ला रहा था। रेशमा की गोद में 2 साल का मासूम बच्चा था। जैसे ही वो माबूद नगर के पास पहुंचे, वहां अकील ने अपनी पत्नी से कहा कि वो पैदल गली पार करके घर चली जाए, उसके पास सामान बहुत है, वो आ रहा है। रेशमा अपने बच्चे को लेकर चढ़ने लगी तो पीछे से एक रिक्शा वाला आया और उसने एक हाथ से बच्चे को छीनकर वहां से भागने लगा। रेशमा के शोर मचाने पर इलाके के लोगों ने दौड़कर उसको पकड़ लिया और पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। सर, मैं और मेरे पति हम सामान लेके आ रहे, तो परचून की दुकान है, ये गाड़ी पे आगे निकल गए। मैं पैदल पैदल अपने बच्चे को लेके आ रही, लाइट चली गई, दो मिनट को लाइट गई, ऐसे पीछे से आके मेरे लड़के को मेरी गोद में से छीन के जबरदस्ती और रिक्शे पे लेके भाग गया। जब मैंने शोर मचाया, जब महल्ले वालों ने पकड़ा इसे, बच्चों को किडनैप कर रहा है ये। सीओ अशोक कुमार ने बताया है कि मामले के बाद महिला की ओर से तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी। मोहल्ला महमूद नगर में एक व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है, रिक्शा लेके जा रहा था और एक महिला वहाँ से गुजर रही थी, तो रिक्शा लिए वो एक हाथ से उसके बच्चे को जो है छीन लिया और रिक्शा और बच्चे के साथ जो है आगे को तेज कदमों से बढ़ा। महिला चिल्लाई तो इतने में मोहल्ले के लोग आ गए और उसको उसके रिक्शे और बच्चे के साथ उसको जो है वहीं पे पकड़ लिया और महिला द्वारा तहरीर दी जा रही है। तहरीर के आधार पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसको विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। नशे की हालत में भी है जो रिक्शा वाला पकड़ा गया है, नशे की हालत में भी है। पुलिस जहां ये कहते हुए देखी जा रही थी कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है, जनता उस पर ध्यान न दे, तो वहीं आज उसी जनता ने बच्चा चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन वारसने की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।